अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रुहेश। और आज की टेक्नो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाया हूं और अभी कुछ और वीडियो शूट करना बाकी है जहां पे मैं बताया हूं कि मैं कैसे टेक न्यूज देता हूं, कैसे अनबॉक्सिंग करता हूं और एडिटिंग कैसे करता हूं और काफी सारे मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो ब्लॉग है जैसे कि आप लोगों को बताया। अगर आपने अब भी मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ऊपर कार्ड में भी आपको देता हूं। उस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स है वो देखने को फ्यूचर में मिलने वाले हैं। पहली खबर की बात करते हो और आप लोगों को बता रहे थे कि फाइनली यहाँ पे OnePlus 5 ये जो नेम है अपकमिंग फ्लैगशिप फोन का ऑफिशियल हो चुका है। यहाँ पे OnePlus ने अपनी खुद के ऑफिशियल अकाउंट से यहाँ पे जो वो एक पोस्ट में बताया कि OnePlus 5 ने यहाँ पे DxO ये एक कंपनी जो फोटोग्राफिक बेंचमार्क के लिए जो काफी फेमस है, काफी बड़े जो वो टेक क्रिटिक्स है इसी को यूज करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने जो इससे पार्टनरशिप करी है और OnePlus 5 के कैमरे को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए ये पार्टनरशिप जो वो की गई है। तो यहाँ से दो चीज कंफर्म हो रही है कि OnePlus 5 जो वो उसके अंदर हमें इस बार बेटर कैमरा देखने को मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि यहां पे भी एक रिसेंट इमेजेस लीक होकर आई है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर डुअल रियर कैमरा जो हमें पीछे की तरफ देखने को मिल रहे हैं और यहां पे OnePlus 5 में ये कंफर्म हो चुका है कि OnePlus जो अपकमिंग फोन आने वाला है उसका नाम जो OnePlus 5 ही होने वाला है। अब देख लेते हैं कि OnePlus 5 इस बार हमारे लिए क्या लेके आता है। डुअल कैमरास और स्नैपड्रैगन 835 ये दोनों चीज फिलहाल के लिए यहां पे जो वो कंफर्म हो चुके हैं। तो Jio की तरफ से खबर आ रही है और आप लोगों को बता रहे तो कि अगर आप पंजाब में स्टडीज करते हैं तो यहां पे आप लोगों को बता रहे कि पंजाब की गवर्नमेंट ने Jio के साथ में एक MOU साइन किया है जहां पे वो लोग जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वहां पे पॉलिटेक्निक्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द स्टाफ और टेक्निकल एजुकेशन वगैरह के जो सेंटर्स होते हैं स्टडीज के वहां पे ये जो वो फ्री वाईफाई सर्विस जो Jio की तरफ से आप लोगों को मिलने वाली। जी हां, यहां पे जो वो चरणजीत सिंह जो एजुकेशन मिनिस्टर है इन्होंने जो वो कंफर्म किया है अब से यहां पे पंजाब के अंदर ये सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको फ्री वाईफाई सर्विस मिलेगी जहां पे आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा और ये जो भी सर्विस दी जाएगी वो Jio की तरफ से जाएगी। तो गूगल IO 2017 हमें जैसे कि पता है यहां पे गूगल ने बहुत सारे चीजें जो अनाउंस किए जिसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट्स भी किए और नए नए चीजें वहां पे भी जो अनवील्ड किए। अब यहाँ पे एक और चीज है जो आप लोगों को बता रहे थे कि काफी कूल लगा है मुझे जो कि गूगल असिस्टेंट में उन्होंने एक और ऐसा फीचर ऐड किया है जहां पे आप डायरेक्टली अब जो वो पेमेंट भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिना आपको टाइप किए, बिना अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को नंबर को टाइप किए आप सिर्फ गूगल असिस्टेंट के जरिए वॉइस के जरिए किसी नेक्स्ट पर्सन को जो वो पैसे भेज सकते हैं। ये फीचर यहाँ पे बताया जा रहा है कि तभी चलेगा जब आप अपने गूगल अकाउंट के अंदर अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लिंक्ड करेंगे और साथ में सिक्योरिटी पर्पज के लिए उन्होंने उसके अंदर एक और फीचर डाला जो कि बायोमेट्रिक फीचर है। आप जब भी पैसे भेजने की कोशिश करेंगे वो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मांगेगा, ये अगर आप चाहे तो ही एक्टिवेट होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ पे आप किसी को भी बोल सकते हैं कि यार गूगल सेंड डॉलर $10 टू सो एंड सो परसेंट तो वो डायरेक्टली उसको पैसे भेज देगा। जी हाँ, इस तरीके का फीचर भी कुछ गूगल असिस्टेंट में हमें मिलने वाला है। अब ये सिर्फ फिलहाल के लिए US में होगा, धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी हमें जो वो देखने को मिल सकता है। अगर आपको Xiaomi के फोन परचेस करना है तो आप लोगों को बता रहे थे कि यूजुअली हमें पता है कि ये सारे फोन जो वो फ्लैश सेल में मिलते हैं और काफी सारे लोग जो यहाँ पे अनलकी होते हैं ये सारे फोन परचेस करने के लिए। यहाँ पे MI.com के ऊपर आज दोपहर के 12 बजे से Xiaomi के फोन आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट जो वो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद आपको 5 दिन के अंदर आपका फोन जो वो आपके घर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नहीं चाहते फ्लैश सेल में अगर आप बार बार अनलकी होते तो Xiaomi के Mi.com पे आप जाइए और वहां पे ऑफिशियली आप जो वो ये फोन को परचेस कर सकते हैं, पेमेंट पहले कर सकते हैं। आज दोपहर के 12 बजे शुरू हो गया और 5 दिन के अंदर आपको अपने Xiaomi के फोन जो है वो मिल जाएंगे। तो फाइनली Xiaomi का Mi Max 2 अब जो वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि Xiaomi ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई है जहां पे उन्होंने अनवील्ड किया है कि Xiaomi का Mi Max और ऊपर की तरफ देखेंगे छोटा सा 2 लिखा हुआ है जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि 25 मई को ये फोन जो वो लॉन्च होने वाला है जो Mi Max का सक्सेसर होगा। ये वाले फोन में रूमर है कि हमें स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और इसके अंदर हमें सेम स्क्रीन साइज मिलेगी लेकिन हायर बैटरी मिलेगी जो कि 5000 mAh की होगी और साथ में हमें 6 GB की रैम भी जो वो देखने को मिल सकती है। और प्राइसिंग की बात करें तो वही सेम प्राइस हो सकती है जो प्रीवियसली Xiaomi Mi Max में हमें जो वो देखने को मिला था। ये काफी इंटरेस्टिंग फोन होगा और जब भी ये आएगा और इस सेम प्राइस होगी और ये सारे नए चीजें इसके अंदर होगी तो मेरे हिसाब से बहुत ही किलर फोन होगा इस प्राइस में। कार्बन की तरफ से खबर आ रही है और आप लोगों को बता रहे कि रिसेंटली हमें पता कि कार्बन ने अपना Aura 4G करके एक स्मार्टफोन जो इंडिया के अंदर लॉन्च किया था जो 5300 रुपए की उसकी प्राइस रखी थी, अब उसका सक्सेसर जो वो कार्बन ने Aura 4G प्लस करके भी जो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जो भी आपको उसमें भी जो 4G वोल्टी मिलता है लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं। आपको उसके अंदर 5 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है और 1.3 GHz का अननोन कोड कोर प्रोसेसर मिलता है। अब मैं कंटाल गया हूँ इन लोगों के प्रोसेसर के बारे में बता बता के। 1 GB की रैम मिलती है, 16 GB की स्टोरेज मिलती है, एंड्रॉइड
7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कार्बन की हिस्ट्री में कार्बन ने इतना बड़ा काम किया है। आपको यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 4000 mAh की बैटरी मिलती है। 5800 rupees की प्राइस रखी है, सब कुछ अच्छा है। अगर यहाँ पे रैम 2GB होती थी और यहाँ पे अगर उनको अच्छा सा प्रोसेसर दे देता तो मेरे हिसाब से 4G वोल्टी फोन में प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा होता था। जो सही है वो सही हम बताएंगे, लेकिन अब जो है नहीं तो हम वही बताएंगे। अगर आप ट्विटर यूज करते तो आप लोगों को बता रहे तो कि आज यानी कल से कुछ 2 दिन से जो ट्विटर के ऊपर जो वो सर्वर डाउन का एरर आ रहा है और यहाँ पे काफी सारे लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये इश्यू आ रहा है, इंडिया में भी काफी सारे लोगों को आ रहा है। जब भी आप ट्वीट करते हैं तो आपके सामने इस तरीके की ब्लू स्क्रीन आ जाती है, जहां पे आप देखेंगे इस तरीके से बता रहा है कि आप ये ट्विटर का सर्वर जो यहाँ पे डाउन है। जी हाँ, तो ये शायद से हमें पता नहीं कि किस रीजन से हो रहा है, लेकिन ट्विटर के ऊपर अब इतनी बड़ी वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ इस तरीके का एरर है जो काफी सारे लोगों ने फेस किया है। तो बहुत जल्दी ये इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके पहले भी आप लोगों को बता दें कि जोमेटो के ऊपर भी काफी सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स के डेटा जो वो ब्रीच हुए हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो जोमेटो के ऊपर भी ये इशू हो रहा है, अब ट्विटर के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा ब्रीच की बात नहीं हो रही है, बस ये सर्वर डाउन है। मेरे हिसाब से कुछ टाइम में ये जो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप यूज करते तो आप लोगों को बता दो कि फाइनली व्हाट्सएप के ऊपर पिन चैट्स करके अपडेट जो ऑफिशियल हो चुका है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारे फीचर जो हमें एंड्रॉइड के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप यूज करते और अगर आप ज्यादातर किसी लोगों से चैट करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप उन चैट्स को जो वो डायरेक्टली पिन कर सकते हैं, फिर आपको स्क्रॉल करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो अपने सिंगल इंडिविजुअल से आप बात कर रहे हो, 3 max to max आप जो लोगों को पिन कर सकते हैं और उसके बाद आसानी से उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो जाइए अपना व्हाट्सएप को अपडेट करिए और ये वाला फीचर भी जो वो यूज कर लीजिए। तो आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक्न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए फ्यूचर में टेक्न्यूज लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।